बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ एक मज़े की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी पेरी पेरी चिकन। ये आप लोगों ने नैंडोज़ में ज़रूर खाया होगा, लेकिन मेरी रेसिपी उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। ये मैं बनाती हूँ अपने स्टाइल में, तो चले चल के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेना है 1 किलो चिकन, और उसके मैंने ये क्वार्टर पीसीज ले लिए थे। 4 क्वार्टर पीसीज एक चिकन में आ गए थे, और उसके अंदर आपने इस तरह से डीप कट्स लगा देने, जैसे हम चिकन टिक्का बनाने के लिए और इस तरह रोस्ट वगैरह बनाने के लिए डीप कट्स लगाते हैं, ताकि अंदर तक मसाला इसमें जज्ब हो जाए और टेस्ट अंदर तक आए। इसके बाद हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। मैरिनेशन तैयार करने के लिए आपने एक प्याले में लेनी है गोल साबुत लाल मिर्च। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा ली थी, आप इससे कम ले लें, 4 से 5 काफ़ी होंगी। और उसको आप एक प्याले में लें और थोड़ा सा पानी डालें और 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लें। उसके बाद आप चॉपर में लें 1 दरमियानी साइज़ की प्याज, 5 से 6 दाने आपने लेने हैं लहसुन के, और तकरीबन 2 हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली थी। और उसके बाद जो लाल मिर्च आपने भिगो के रखी थी वो ले लें। मैंने आपको डालने को इसलिए बोला है कि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, तो वो फिर खाने में प्रॉब्लम होगी। 1 चम्मच इसमें डाला ऑरिगेनो, 1/2 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, और 1 खाने का चम्मच पेपरिका पाउडर, 3 चम्मच मैंने इसमें डाले थे लेमन जूस के, और 3 चम्मच ही इसमें डाले थे सिरका। और इसके अलावा मैंने इसमें डाली थी 2 खाने के चम्मच क्रीम, कोई भी आप टेट्रापैक क्रीम ले लें वो डालें, और नमक हसबे ज़रूरत। वैसे मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच नमक डाला था। और उसके बाद आप इसको अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, चॉप कर लें, आपकी इस तरह की ये सॉस रेडी हो जाएगी। और जिस चिकन पर हमने कट्स लगा के रखे थे, फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर ये मैरिनेशन लगानी है। इसको आप अच्छे से मैरिनेट कर दें और कट्स के अंदर तक मसाला चला जाए, और उसके बाद तकरीबन आप इसको 1/2 से 1 घंटे के लिए साइड पर रख दें मैरिनेट करने के लिए। फिर आप एक बड़ा पैन लें, ऐसा पैन लें जिसके अंदर तमाम चिकन बिल्कुल स्ट्रेट एक ही लाइन में आ जाए। उसमें आपने थोड़ा सा तेल डालना है, और तेल डालने के बाद आप इसके अंदर ये तमाम पूरा अपना चिकन इस तरह फैला के रख दें, और इसको जब ये पकने शुरू हो जाए तो आप इसको ढक दें। तकरीबन 15-20 मिनट बाद आप ढक्कन हटाएं, तो इस तरह से चिकन अपना पानी छोड़ देगा, क्योंकि इसमें प्याज भी है तो काफ़ी पानी छोड़ेगा। ये इसी के अंदर पकेगा, आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आप एहतियात से चिकन को टर्न कर दें, ताकि दूसरी साइड से भी चिकन अच्छे से पक जाए। और आपने इसी तरह 15 से 20 मिनट दूसरी साइड से भी पकाना है ढक के। और इसके बाद जब आप देखें पानी खुश्क होने लगेगा, फिर आपने थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करना है, नीचे ऑयल आपको नज़र आने शुरू हो जाए, तो इसी के अंदर चिकन को आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, ये थोड़ा सा इसकी मैरिनेशन ऊपर से मसाला सा रहता है, थोड़ा सा गीला मसाला रहता है इसका। और इसके बाद यहाँ पर जो है ये चिकन बिल्कुल रेडी था, और इसको आप सर्व करें बन के साथ, सर्व करें साथ फ्रेंच फ्राइज़ रखें, और आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। मैं बिल्कुल टिपिकल रेसिपीज़ नहीं बताती, ये थोड़ी सी मैं अपनी वेरिएशन के साथ बताती हूँ। मैं नहीं कहती कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं, तो आप इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, होपफुली आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।